जब फेल हो जाओ ना तो टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, हैव सम वाटर एंड लेट स्टार्ट अफ्रेश। डिटॉक्स क्लब, कीप टॉकिंग, कीप लर्निंग। माय टॉपिक इज ए जिंदगी गले लगा ले, एंड मैं यहाँ पर अपने जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मेरे जनरेशन को जो यहाँ से बीमार है। दिल से तो बीमार है ही, यहाँ से भी बीमार है। हमें कंपटीशन, हमें अपने ऑब्सेशन, हमें जितना कॉम्प्लेक्सिटी होता है, जैसा कि मैं अपने माता पिता से भी बात करती हूँ तो वो यही कहते हैं कि हर चीज़ का सलूशन हमारे ज़माने में फ़ोन नहीं होता है। मेरे जैसे आप लोग बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आज तक कभी एक पोस्ट कार्ड नहीं रिसीव किया हो। हमारे टाइम पे जो भी कुरियर्स या जो भी आते हैं वो अमेज़ॉन या स्नैपडील्स के आते हैं, बट पहले के ज़माने में वो पोस्ट कार्ड्स होते थे, वो कार्ड्स होते थे, वो होते थे लेटर्स। बट मैंने आज तक अपने लिए एक भी हैंड रिटन लेटर नहीं रिसीव किया। हाँ, टेक्स्ट बहुत सारे आते हैं, जैसे कि अभी मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हूँ तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो बाहर चले गए हैं तो दे आर लाइक वी मिस यू, हम लोग अब वापस से मिलेंगे, बट उन लोगों ने कभी मुझे एक हैंड लेटर नहीं दिया, ना ही मैंने कभी दिया है। तो जैसा कि इंस्टाग्राम और फेसबुक का ज़माना है तो हम बाकी लोगों के पोस्ट देखते हैं कि उसके पोस्ट में इतने सारे लाइक है, इतने सारे कमेंट्स हैं, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। दूसरी बात कि मेरे जो फेवरेट टीचर हैं सुमित सर, वो एक्चुअली मेरे इंस्पिरेशन है। तो लाइक हम लोग फेलियर को बहुत दिल पे ले लेते हैं, तो मुझे ये देखकर बहुत हर्ट होता है कि मोस्टली जो सुसाइड केसेस आते हैं वो टीनेजर्स के आते हैं कि भाई एग्ज़ाम में फेल कर गए, ट्वेल्थ में नहीं आया मार्क्स तो अब सुसाइड कर लिया। तो वो हमेशा कहते हैं कि जब फेल हो जाओ ना तो टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, हैव सम वाटर एंड लेट स्टार्ट अफ्रेश, बिकॉज इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट अफ्रेश। एंड मैं अगर मेरी बातों से किसी एक की भी लाइफ में चेंज आता है ना तो आई विल बी ग्लैड कि मैंने अपने टीचर्स को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया है, अपने पेरेंट्स को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया है, बिकॉज आई वॉज नॉट एट ऑल अ गुड स्टूडेंट टिल क्लास टेंथ, बट क्लास टेंथ आई गॉट अ बेस्ट फ्रेंड जिसने मुझे हमेशा हमेशा बोला कि नहीं तुम कर लोगी, तुमसे हो जाएगा। तो आई वुड लाइक टू थैंक माई बेस्ट फ्रेंड फॉर मेकिंग मी अ फाइन स्टूडेंट इन क्लास ट्वेल्थ। तो हमारे जनरेशन में क्या होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा दिल पे लेने लग जाते हैं बातों को, फेलियर्स को, बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि इस दुनिया में कोई एक सवाल ज़रूर है जो सिर्फ तुमसे ही हल होगा, और वो सवाल ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे हर एग्ज़ाम में पूछा जाए, वो कभी ना कभी आएगा। एंड मेरी मम्मा कहती है कि एवरी पर्सन इज़ यूनिक। लाइक आप दुनिया के सबसे बड़े पेंटर को भी बोलोगे ना कि वो दो एक तरह की तस्वीर बना दे तो ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी गार्डन में दो आइडेंटिकल फ्लावर्स कभी नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या लगता है, वर्ल्ड में थोड़ी दो आइडेंटिकल लोग होंगे जो सारी चीज़ें सेम होगी उनके बीच में? तो इट्स लाइक कि एवरी पर्सन इज़ यूनिक, सेलिब्रेट योर यूनिकनेस एंड डू वट एवर यू फील लाइक, एंड आप वही सबसे अच्छा कर सकते हो जिसमें आपकी हॉबी हो। अगर आपका हॉबी आपका प्रोफेशन बन जाए तो इससे ब्यूटीफुल और कुछ नहीं हो सकता। एंड जहाँ तक मैंने डियर ज़िंदगी देखी है तो डिप्रेशन आजकल तो जैसे लगता है कि हम सांस ले रहे हैं वैसे डिप्रेस्ड हो रहे हैं हम लोग। तो वी आर लाइक हम लोग हर छोटी छोटी चीज़ों को दिल पर लेकर डिप्रेस्ड हो रहे हैं। तो एक बार ज़िंदगी में रोते हुए आए थे, रोते हुए जाना ये ज़रूरी नहीं है, तुम एक बार ज़िंदगी जी कर तो देखो, ज़िंदगी उतनी भी बुरी नहीं है।